बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। महज 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए आम आदमी पार्टी के एक विधायक हाथरस पीड़िता के परिजनों से मिलने उसके घर पर पहुंचे। दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप कुमार के साथ इस दौरान उनके दर्जनों समर्थक भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, विधायक कुलदीप कुमार ने पीड़िता की पहचान भी सार्वजनिक की। पीड़िता का नाम बताते हुए उन्होंने ट्वीट किए। इन ट्वीटों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद कुलदीप ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो भी बनाए, जिनको उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा भी किया। अब विधायक कुलदीप ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलकर लौटा हूं। परिवार में डर पैदा किया जा रहा है, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। हैरानी की बात यह है कि केवल 5 दिन पहले ही कुलदीप कुमार ने अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना सार्वजनिक की थी। 29 सितंबर को उन्होंने अपने मित्र एवं सहयोगियों को बताया था कि वह कोरोना जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 29 सितंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि पिछले 2 दिनों से मुझे हल्का बुखार होने की वजह से मैंने कोविड-19 टेस्ट करवाया, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मैं घर पर होम आइसोलेशन में रहूंगा। जो भी साथी पिछले 2 से 3 दिनों में मुझसे मिले हैं, वे अपना टेस्ट जरूर करा लें। होम आइसोलेशन में रहने का दावा कर रहे विधायक कुलदीप से जब कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में जानकारी लेने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। विधायक ने अभी तक अपने कोरोना नेगेटिव होने की सूचना सार्वजनिक नहीं की। बावजूद इसके वह सभी नियम कायदों को ताक पर रखते हुए पीड़िता के घर जा पहुंचे। इससे अब पीड़िता के परिजनों को भी कोरोना संक्रमण का खतरा हो गया। विधायक कुलदीप द्वारा की गई लापरवाही यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पीड़ित युवती का नाम भी सार्वजनिक कर दिया। अपने 2 अलग-अलग ट्वीटों में उन्होंने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक की है। उन्होंने अपने इन ट्वीटों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर टैग भी किया है। कुलदीप पर आरोप है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद वो परिवार से मिलने गए थे। आप विधायक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाथरस SP ने बताया कि दिल्ली के आप विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कुलदीप कुमार का इस पर कहना है कि उन्हें मीडिया के जरिए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की जानकारी मिली है। कुलदीप ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे। वीडियो में वो अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाते हुए नजर आए हैं। आप विधायक ने कहा कि यह भाजपा की साजिश है कि हाथरस पीड़ित परिवार को न्याय ना मिल पाए। साथियों, मुझे टीवी मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि हाथरस पुलिस ने मेरे ऊपर FIR दर्ज की है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और IT सेल ने मिलकर जो प्रोपगंडा फैलाया था कि आप विधायक कोरोना संक्रमित होकर हाथरस गए हैं, साथियों ये मेरी रिपोर्ट है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं हाथरस परिवार से मिलने के लिए गया हूँ। और ये झूठा प्रोपगंडा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि जिस प्रकार की गिरी हुई हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है उन आरोपियों को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि ये निंदनीय है और ये इससे पूरा दलित समुदाय कहीं ना कहीं आहत है कि पूरी भाजपा मिलकर किस प्रकार से आरोपियों को बचाने का खेल खेल रही है, किस प्रकार से भाजपा के सांसद जाकर उन आरोपियों से मिलते हैं, किस प्रकार से भाजपा के सांसद ये कहते हैं, भाजपा के नेता ये कहते हैं कि बाजरे के खेत में जो गन्ने खेत में बलात्कार क्यों होते हैं और वो इसलिए हुआ कि उस बेटी की मर्जी हुआ और एक रेप विक्टिम के बयान पे वो कहते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था यूपी सरकार को, योगी जी की सरकार को, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि मैं दलित समुदाय से आता हूं, मैं अपने परिवार से मिलने के लिए गया और नेगेटिव रिपोर्ट कराकर गया। भाजपा ने प्रोपगंडा फैला दिया, उस प्रोपगंडा के दम पर वो मेरे ऊपर FIR दर्ज करते हैं। अगर हाथरस पुलिस ने मुझसे जानकारी मांगी होती तो मैं जानकारी जरूर देता कि ये रिपोर्ट मेरी नेगेटिव थी और नेगेटिव के बाद मैं हाथरस गया। लेकिन इस मुद्दे को घुमाने के लिए भाजपा कितना भी दम लगा ले, योगी सरकार कितना भी दम लगा ले, हम उस बेटी को न्याय दिला के रहेंगे, उसकी न्याय की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.